दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये हास्य कथा है, बहुत ही मनोरंजक है और ज्ञानवर्धक भी है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है धोबी का गधा और मूर्ख धोबी। आइए कथा श्रवण करें। पुराने जमाने की बात है, विद्यालय में एक अध्यापक अपने छात्रों को बता रहे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, यहां तक कि गधों को भी पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया है। हमने जिनको आदमी बनाया है वे आज इसी शहर में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ोगे तो एक दिन तुम भी बड़े आदमी बन जाओगे। उनके यह बात एक धोबी ने सुन ली, वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन चुपके से अध्यापक महोदय के पास आकर बोला, अध्यापक जी, आप बड़े काम के आदमी हैं, मेरे पास भी एक गधा है, अगर आप उसे भी आदमी बना दें तो बड़ी कृपा होगी। मेरा कोई सहारा नहीं है, वह आदमी बन गया तो मुझे बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। यह सुनकर अध्यापक साहब हैरान रह गए, बोले, कहीं गधे को भी आदमी बनाया जा सकता है? यह तुम क्या कह रहे हो? धोबी ने उत्तर दिया, अध्यापक साहब, कल आप ही बच्चों को बता रहे थे कि आपने गधों को भी आदमी बनाया है और अब वे इसी शहर में बड़े बड़े आदमी बन गए हैं। अध्यापक समझ गए कि वह अव्वल दर्जे का बेवकूफ है, बोले, गधे को आदमी बनाने के 200 रुपए लगेंगे। धोबी ने 200 रुपए देना स्वीकार किया और अगले दिन रुपया तथा गधे को लेकर विद्यालय में आ पहुंचा। रुपयों के साथ उसने गधे को अध्यापक के हवाले कर दिया। काफी समय हो गया, एक दिन धोबी को अपने गधे की याद आई। सोचा, अब तक वह जरूर आदमी बन गया होगा, पढ़ लिख कर गधे आदमी बन जाते हैं। मेरा गधा इसी शहर में नौकरी करेगा, खूब पैसे कमाएगा, फिर मैं उसकी शादी करूंगा। घर में बहू आएगी तो पकी पकाई रोटियां मिलेंगी, सेवा करेगी और बुढ़ापा मजे से कट जाएगा। सोचता हुआ वह अध्यापक के पास पहुंचा और अपने गधे के बारे में पूछताछ की। अध्यापक महोदय ने बताया कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम्हारा गधा कब का आदमी बन चुका है, मैंने उसे खूब पढ़ा लिखा दिया, इतनी देर तुम नहीं आए तो सोचा शायद तुम उसे भूल गए हो, इसलिए वह यहां से चला गया है। सुनते हैं इसी शहर में कोतवाल लगा है, अब तुम उससे मिलना चाहते हो तो सीधे कोतवाली चले जाओ, वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, थैली में थोड़ी सी घास अवश्य लेकर जाना, कहीं वह तुम्हें भूल गया हो तो घास देखकर उसे तुम्हारी याद आ जाएगी और वह तुम्हें पहचान लेगा। जमाना ही ऐसा आ गया है कि बड़ा आदमी बनने के बाद आदमी रिश्ते नाते और परिवार वालों को भूल जाता है, इसलिए घास जरूर रखना। तो भी खुशी से उछल पड़ा, लौटकर घर आया और हरी मुलायम घास उखाड़कर थैले में भर ली। बेटा कोतवाल लगा है तो हर कोई उसे जानता होगा। सड़क पर खड़े राजा के सिपाहियों से पता पूछते हुए वह कोतवाली जा पहुंचा। अंदर घुसना ही चाहता था कि सिपाहियों ने रोककर पूछा, कहां जाओगे? धोबी अकड़कर बोला, मेरा बेटा इस कोतवाली में कोतवाल लगा है, उससे मिलना चाहता हूं। धोबी का चेहरा देखकर सिपाही हंस पड़े, बोले, तेरा लड़का शहर का कोतवाल कैसे हो सकता है? धोबी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सचमुच कोतवाल है, यकीन ना हो तो अध्यापक जी से जाकर पता कर लो। अध्यापक जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और गधे से आदमी बनाकर यहां लगवाया है। सिपाहियों ने उसे पागल समझकर हवालात में बंद कर दिया। इस पर धोबी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं कोतवाल का बाप हूं, मैंने उसे पढ़ा लिखा कर गधे से आदमी बनाया है, लेकिन बेटा इतना नालायक निकला कि बाप की खोज खबर नहीं करता। कोतवाल ने जब सुना तो धोबी को हवालात से बाहर निकाल लिया और पूछा, कौन हो तुम?
उसके इस प्रश्न से धोबी को बड़ी निराशा हुई। बोला, आज तो इस शहर का कोतवाल बन गया है, इसलिए अपने बाप को भी भूल गया। जानता नहीं मैंने पढ़ा लिखा कर तुझे गधे से आदमी बनाया है। क्या बकता है, कोतवाल डपट कर बोला, बकता नहीं हूं, सच कह रहा हूं। एक दिन तू गधा था, मैं तुझे हरी हरी घास दिया करता था। यह देख, आज भी वैसी ही मुलायम घास तेरे लिए लाया हूं। कहते हुए धोबी ने हरे मुलायम घास निकालकर उसकी मेज पर रख दी। उसे हद से आगे बढ़ते देख कोतवाल को गुस्सा आ गया। उठकर दो डंडे उसे जमा दिए, फिर लातों से पीटते पीटते कोतवाली से बाहर निकाल दिया। इस घोर निराशा के क्षणों में भी धोबी को हंसी आ गई। बोला, आदमी बनकर तो सब कुछ तो भूल ही गया, पर दुलत्ती झाड़ने की आदत अब भी ना गई। कोतवाल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बदतमीज को पकड़कर ले जाओ और पागल खाने में भर्ती कर दो, यह कोई सिरफिरा है। सिपाही उसे पकड़कर ले गए और दूर ले जाकर छोड़ दिया। अगले दिन दुखी होकर धोबी अध्यापक के पास पहुंचा और कोतवाल की सारी हरकत उसे बताई। बोला, जब वह गधा था तब मेरे बहुत काम आता था, कितना भी बोझ लादने पर चूं तक नहीं करता था, मार पिटाई से डरता था। गधा रहते हुए उसने मुझे बहुत सुख दिया, किंतु अब आदमी बनकर वह मेरे काम का नहीं रह गया है। धोबी ने अध्यापक से विनती की कि उसे फिर से गधा बनाकर मुझे वापस कर दें तो बड़ी कृपा होगी। अध्यापक बोला, आदमी को गधा बनाना मुश्किल है, पर यदि तुम यही चाहते हो तो इसके लिए दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल सुबह 400 रुपये लेकर आना और अपना गधा वापस लेकर जाना। अगली सुबह धोबी अध्यापक के पास पहुंचा और गिनकर 400 रुपये सामने रख दिए। अध्यापक ने मकान के पीछे बंधा हुआ उसका गधा खोलकर उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। अपने गधे को पाकर धोबी ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आदमी बनने से अच्छा है कि तुम गधे ही बने रहो। यह कहकर वह उसे घर के तरफ हाँक कर ले चला। दोस्तों, आपको यह हास्य भरी कथा कैसी लगी? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छी चीज़ें सीखने को मिलें। और हमारी एनिमेशन वीडियोज़ को जरूर देखें जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।